हल्द्वानी में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। जहां हल्द्वानी में आए दिन लोगों को ट्रैफिक संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं ट्रैफिक पुलिस के लगातार ड्यूटी पर तैनात होने के बावजूद बढ़ते गाड़ियों के दबाव के चलते जाम लग ही जाता है। हल्द्वानी में ट्रैफिक दबाव और सीजन टाइम होने से हल्द्वानी की सड़कों में जाम की स्थिति ज्यादा बढ़ जाती है। इसको देखते हुए या यूं कहें कि हल्द्वानी और अन्य पहाड़ी और तराई क्षेत्रों से आने वाले लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने नया प्लान तैयार किया है। एसएसपी भट्ट ने बताया कि नैनीताल रोड पर जाम की स्थिति से निपटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन के जरिए ट्रैफिक पर नजर रखी जाएगी, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल सके। इसके अलावा एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि गर्मी के सीजन में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में कई तरह की समस्याएं आए दिन देखने को मिलती हैं। लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए नारायण नगर और रूसी बाईपास पर दो स्थायी चौकियां खोली जाएंगी, जिससे इस किसी भी स्थिति में तत्काल प्रभाव से समस्या का समाधान हो सके। ये चौकियां सिर्फ 2 महीने के लिए खोली जाएंगी। इन चौकियों में 2-2 दरोगा और 4-4 सिपाही तैनात किए जाएंगे। पर्यटक सीजन को देखते हुए ये कदम उठाया गया है।